हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाले अगले आईपीएल मैच के बारे में। तो गाइस, ये है मैच नंबर 56 जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। KOL VS RR ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये मुकाबला 11 मई को खेला जाएगा, 7:30 बजे का मुकाबला है, दिन का एक ही मैच है और कोलकाता राजस्थान आपस में भिड़ने वाली। राजस्थान अपना लास्ट मैच बहुत ही फनी तरीके से हारी है, मतलब इनके कोई चांस नहीं थे हारने के, बट हार गए। क्या गलतियां करी, कैसे उसको सुधारेंगे, क्या कोलकाता के सामने राजस्थान भारी पड़ेगी या फिर कोलकाता ही इस मैच को जीतने वाली है, हर एक चीज आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो जीत पाएंगे। वीडियो को बस बहुत ध्यान से देखना है आपको, हर एक चीज का आपको जो एनालिसिस करके बताऊंगा ना उसको समझना है बहुत इन डेप्थ। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कहां पे इस मैच को खेलना है। तो एक ही एप्लीकेशन है इस टाइम पे, विजन 11, जो आपको सबसे कम एंट्री फी में गेम्स को खिला रही है, आपके पैसे सेव करा रही है और आपको दे रही है एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो भी लोग मेरे रेफर कोड से यहां पे साइन अप कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं सीधे ₹500 उनके अकाउंट में, प्लस उनको मिल रहा है 50,000 का गिव अवे। करना क्या है, सबसे पहले डाउनलोड करना है लिंक से, नीचे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। YouTube वीडियो के टाइटल पे क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन ओपन होता है, उस डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लेना और जैसे ही आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो जाए तब आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, रेफर कोड FX, जहां भी एंटर कोड का ऑप्शन आए ना रेफर कोड का, तो ये कोड लगा देना। जैसे ही लगाएंगे ना आपके अकाउंट में ₹500 क्रेडिट हो जाएंगे और इसके अलावा आपको ₹50,000 का जो डेली यहाँ पे गिव अवे चलता है ना वो फ्री में मिल जाएगा। बस उसको ज्वाइन करना है, जीरो एंट्री फी है, आपको दिख जाएगा कॉन्टेस्ट में, तो जाके ज्वाइन कर लेना अंदर कॉन्टेस्ट में जाके और ये इंजॉय करना। और इसके अलावा जो भी डिपॉजिट ऑफर आते हैं आपके लिए स्पेशल, उनमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे डिपॉजिट ऑफर आने वाले हैं, फटाफट बस डाउनलोड करो ऐप को और खेलना शुरू करो। काफी अच्छी एप्लीकेशन है, 50,000 का रोज गिव अवे चल रहा है आईपीएल में, किसी किसी मैच में तो 1,00,000 का गिव अवे भी चलता है। इसके अलावा 1 करोड़ का लीडर बोर्ड भी है, अगर आप आईपीएल के सारे मैचेस यहाँ पे खेले ना लीडर बोर्ड के, 30-30 टीम आप यहाँ पे बना सकते हैं। ग्रैंड लीग तो आप जीत ही जाएंगे, प्लस ये प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं अगर आपकी रैंक इंप्रूव होगी, सीधी सी बात है प्राइजेस आपको मिलेंगे। ये बड़े बड़े प्राइजेस आपको तब मिलेंगे जब आप लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे विजन 11 पे। गाइज, ये मुकाबला ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा, कोलकाता का होम ग्राउंड है और कोलकाता अब काफी अच्छा करने लगी, वहां पे रन बहुत बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसी है कंडीशंस है। 84 मैचेस अभी तक यहां पे हो गए, 35 बैटिंग फर्स्ट 49 बैटिंग सेकंड ने जीते, 161 की एवरेज स्कोरिंग है, 245 CSK का हाईएस्ट टोटल और 49 RCB का लोएस्ट टोटल रजिस्टर्ड है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 26 बार बना है, 150 से 169 18 बार बना है, 170 से 189 26 बार बना है और 190 के ऊपर 14 बार स्कोरिंग हुई है। बट आखिरी 4 मैचेस में क्या हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैच में 179 बना, कोलकाता ने उसको चेस कर लिया, बहुत आराम से तो नहीं कर पाए, लास्ट बॉल तक का गेम था बट जीता। इसके बाद देखिए, ये एक मुकाबला है इसमें कोलकाता ने 179 बनाया, गुजरात ने उसको चेस करा 180 बना के, चेजिंग दोनों मैचेस में हुई आखिरी के दोनों मैचेस में। एक और मैच है, ये वाला मैच चेज नहीं हो पाया, चेन्नई ने 235 बनाया था, कोलकाता 186, रन्स बहुत बने बट चेज नहीं हो पाया। ये वाला मैच 228 बनाया SRH ने, 205 बनाया कोलकाता ने। तो गाइज, आप एक चीज को तो नोटिस कर ही रहे हैं कि हर जगह जो है, मतलब कोलकाता में जब जब बैटिंग हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बैटिंग जो यहाँ पे हुई ना, मतलब ये 235 वाला जो मैच गया था चेन्नई का, आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बैटिंग हुई होगी, कितना स्कोर बन गया T20 में 20 ओवर के फॉर्मेट में। तो ये बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा वेन्यू है, प्लस पिछले कुछ मैचेस से जो हमने पैटर्न देखा है, लास्ट मैच में स्पिनर्स को ज्यादा मदद थी, हालांकि पिच रिपोर्ट में भी आ जाता है कि स्पिन को मदद है कि पेस को मदद है, तो उस सबके लिए टेलीग्राम है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे ये सब अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि आज के मैच में कितने के रन्स बन सकते हैं या फिर स्पिन और पेस में किसको मदद मिलेगी, स्पिनर्स को या फिर फास्ट बॉलर्स किसको मदद मिलेगी वो भी बता देता हूं। इसके पहले वाले मैच में फास्ट बॉलर्स ने अच्छा किया था, तो पिच का बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो इसलिए पिच रिपोर्ट जानना आपका बहुत जरूरी है। ये देखिए, इस मैच में स्पिन पेस दोनों को बराबर की मदद थी और इस मैच में पेसर्स ने अच्छा किया था, तो कभी पेसर्स अच्छा कर रहे हैं कभी स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। आखिरी 4 मैचेस की अगर हम समरी निकालें तो पेसर्स ने आखिरी 4 मैच में टोटल 24 विकेट लिए हैं कोलकाता में, जिसमें से 12 विकेट फर्स्ट इनिंग में और 12 विकेट सेकंड इनिंग में मिली हैं। अब बात करते हैं स्पिनर्स की, तो इनको टोटल 20 विकेट मिली हैं, 10 फर्स्ट इनिंग में 10 सेकंड इनिंग में, यानी कहीं ना कहीं स्पिन पेस का टक्कर चल रहा है यहाँ पे। बट कभी कभी स्पिन को ज्यादा फेवर होता है, कभी स्पिन को कभी पेस को, यानी कि स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स जो भी चलेगा मैं आपको बस बता दूंगा, आप बस उस हिसाब से टीम क्रिएट करना, बाकी मैं खुद ही क्रिएट करके आपको दे देता हूं। 26 मैच हुए कोलकाता और राजस्थान के बीच में, 14 कोलकाता जीती और 12 मैचेस राजस्थान जीती है टोटल मैचेस में से, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो टक्कर की टीमें हैं दोनों। आखिरी 5 मैच जो कोलकाता राजस्थान के बीच में हुए उसमें राजस्थान ने 2 जीते हैं और कोलकाता ने 3 जीते हैं, तो यहां पे कोलकाता थोड़ा सा आगे दिख रही है, वहां भी थोड़ा सा आगे है और यहां भी आखिरी 5 मैच जो हेड टू हेड के उसमें भी थोड़ा सा आगे है।
प्लस इस वेन्यू पे भी जो 8 मैच खेले उसमें कोलकाता ने 6 जीते, राजस्थान ने 2 जीते, तो यहाँ भी कोलकाता थोड़ा सा आगे है वेन्यू पे, घर पे अच्छा खेलती है अपने। फिर देखिए राजस्थान के टोटल 10 में से 2 मैच ही विन है, मतलब 10 मैच खेल चुकी राजस्थान यहाँ पे, बट जीती सिर्फ 2 में है, हारी 8 में। वही अगर हम बात करें कोलकाता की, तो आउट ऑफ 77 मैचेस इन्होंने 47 जीते यहाँ पे और हारे कितने, मात्र 29 मुकाबले, एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा, यानी मैक्सिमम मैचेस में कोलकाता ने ईडन गार्डन्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब बात करते हैं आखिरी 4 मैचेस कैसे रहे राजस्थान कोलकाता के। आप देखिए आखिरी मैच 2 मई 2022 को हुआ था पिछले साल के आईपीएल में, उसमें किन किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, संजू 54, हेटमाया 27 नॉट आउट, बोल्ट 1 विकेट, कुलदीप सैन 1 विकेट, कोलकाता की तरफ से नितेश राणा 48 नॉट आउट, रिंकू सिंह 42 नॉट आउट, टिम साउदी 2 विकेट, उमेश यादव 1 विकेट। एक और मैच देखिए इनके बीच का, जॉस बटलर 103 रन, सैमसन 38, चहल 5 विकेट, ओबी मकोय 2 विकेट, कोलकाता की तरफ से श्रेयस 85, एरन फिंच 58, नारायण 2 विकेट, रसल 1 विकेट। बाकी मैचेस भी देख लीजिए, इस टाइम तक स्क्वाड थोड़े से चेंज हो जाएंगे क्योंकि 2021 आईपीएल तक स्क्वाड लगभग पूरा चेंज ही था। आप देखिए शिवम दुबे जो अभी सीएसके में खेल रहे हैं, वो पहले राजस्थान में भी खेला करते थे, तो ये आपको यहां से स्क्वाड चेंज दिखेगा। बट कुछ प्लेयर दिखेंगे जैसे संजू सैमसन है ना, कुछ प्लेयर ऐसे है जैसे कि लॉकी फर्गसन है, तो ये प्लेयर आपको खेलते दिखेंगे, ठीक है, अभी जो खेल रहे हैं इस टीम से। आपको बस आखिरी के 2 मैचेस थोड़ा सा रीड करने हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी थी, जब लोग लास्ट टाइम लास्ट एक 2 मैच खेले हैं। बटलर जिसमें एक बड़ा नाम है, संजू एक अच्छा नाम है, आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप बेटर टीम बना पाएंगे अगर ये चीजें आप देख के टीम बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विनिंग प्रेडिक्शन की, तो कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। सारे स्टैट्स जो है वो कोलकाता के थोड़े फेवर में जा रहे हैं और पिछले एक 2 मैचेस से इनका फॉर्म भी काफी सुधर गया है, तो मेरे हिसाब से जो फेवरेट टीम होने वाली है वो कोलकाता ही होने वाली है। हालांकि इनकी बॉलिंग में अभी भी काफी फ्लॉज है, बट फिर भी थोड़ी सी बेटर टीम मुझे अगर लग रही तो कोलकाता लग रही है। 60% चांस इस मैच को विन करने का कोलकाता का ही रहने वाला है, 40% चांस जो है वो सिर्फ इनका है राजस्थान का, ज्यादा चांस कोलकाता का विन करने का है। प्लेइंग 11 की बात करें तो इनकी प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव तो हो नहीं रहे, बटलर हर बार ओपन कर रहे हैं जसवाल के साथ, जिसमें दोनों ही प्लेयर्स काफी अच्छा खेल रहे हैं। अगर बटलर चलते हैं, अब ये भी होता है देखो कई मैचेस में जसवाल चल रहे तो बटलर नहीं चल पा रहे, जिस दिन बटलर चल रहे उस दिन जसवाल नहीं चल पा रहे, इन दोनों का टीम के लिए चलना बहुत जरूरी है। संजू का हालांकि पिछले मैच में फॉर्म जो वापस आया वो काफी अच्छी बात थी, और ये संजू हमेशा खेलते भी बहुत अच्छा है कोलकाता को। फिर आते शिमरन हेटमेयर जिनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा, और जो रूट को पिछले मैच में बैटिंग करने का ही मौका नहीं मिला। इसके बाद इनके पास ध्रुव जोवेल है, फिर इनके पास रविचंद्रन अश्विन है, सेकंड बॉलिंग केस में अच्छा कर सकते हैं, वैसे भी कोलकाता में स्पिनर्स को ठीक ठाक मदद मिल जाती है। मुरुगन अश्विन इनके पास है, कुलदीप यादव है, ये दूसरे कुलदीप है। इसके बाद चहल इनके पास सबसे बढ़िया बॉलर इस टाइम कोई अवेलेबल है तो यही है, इसके अलावा कोई अगर आप देखें तो बहुत अच्छा बॉलर नहीं है। एक अश्विन है बट वो बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर नहीं है, चहल बहुत विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर है, बाकी तो प्लेयर सारे एवरेज हैं। संदीप भी इवन पिछले मैच इनको इन्होंने मैच ही हरवा दिया, तो दिक्कतें हैं टीम के साथ। ये डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं संदीप, इनके साथ आपको पिछले मैच में इवन अश्विन चहल ये लोग भी डेथ ओवर्स में दिख गए थे, जबकि इनको थोड़ा सा पेस अटैक रखना चाहिए था, 2 प्रॉपर डेथ बॉलर अगर पेस के साथ आते तो शायद ज्यादा बेटर रिजल्ट होता टीम का। ओवरऑल टीम के पास देखें तो लेफ्ट हैंडर्स में जयसवाल हैं, एक इनके पास शिमरन हेटमायर हैं, 2 ही लेफ्ट हैंडर्स इनके पास यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी स्क्वाड में भी कुछ लेफ्ट हैंडर्स है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखें लेफ्ट आर्म यहाँ पे सॉरी राइट आर्म मीडियम में इनके पास संदीप शर्मा है जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, इनको फर्स्ट बॉलिंग केस में आप ट्राई कर सकते हैं। प्लेयर बहुत अच्छे हैं बट कभी कभी काफी खराब खेल जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टैट बता देता हूँ किस प्लेयर का कैसा स्टैट चल रहा है। ये देखिए जॉस बटलर रिसेंटली फॉर्म देखें तो पिछले बीच में 3-4 मैच बिगड़े थे, बट लास्ट मैच में काफी अच्छा खेले, उसके पहले बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये आपको हर कंडीशन में लेने, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी होती है, आपने हर एक मैच में देखा कोलकाता में बैटिंग अच्छी हुई है, तो जॉस बटलर आपके लिए इस वेन्यू पे तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे। प्लस कोलकाता के सामने आखिरी 3 मैच में एक बार शतक भी लगाया, और इस वेन्यू पे भी देखें तो 89, 39, 41 के 3 स्कोर भी हैं, तो आपको इनको लेना भी है, इवन कप्तान वाइस कप्तान बनाना भी है। फिर आते हैं जयसवाल, रिसेंटली फॉर्म देखे तो बहुत अच्छा चल रहा है, पिछले मैच में थोड़ा सा एवरेज खेले बट उसके पहले वाला मैच थोड़ा खराब और उसके पहले वाले मैच बहुत अच्छे थे, तो आप अगर एक एवरेज तौर पे इसका परफॉर्मेंस देखे तो इस आईपीएल में ये चल रहा है। लास्ट वाला आईपीएल ये जरूर उतना अच्छा नहीं खेला बट ये आईपीएल में ये जबरदस्त खेल रहा है। अपोजिशन टीम कोलकाता के सामने लास्ट आईपीएल मैचेस खेले तो वो अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, बट इस समय का फॉर्म बिल्कुल अलग है इनका। इस वेन्यू पे लास्ट टाइम 3 रन थे इनके। संजू सैमसन का देखो, पिछले मैच में 66 बनाया, उसके पहले 30 बनाया, बीच में एक 2 मैच खराब हुए थे, शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, ये भी प्लेयर आपको लेना चाहिए। कोलकाता के सामने आखिरी 3 मैच में 2 बार अच्छा परफॉर्मेंस है और इस वेन्यू पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है संजू का, ये भी आपको मस्ट हैव प्लेयर है, लेना चाहिए। शिमरन हेटमेयर का अगर आप स्टैट देखें तो आखिरी 6 मैचेस से इनके 10 रन भी नहीं बने, टीम के फिनिशर की तरह खेल रहे हैं, ऊपर भी आ जाते हैं बैटिंग में जब आपको पता है कम ओवर्स बचते हैं, आएंगे जरूर बैटिंग में बट अभी फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा और अपॉर्चुनिटी भी कम मिल रही है।
अपोजिशन टीम कोलकाता के सामने आखिरी तीन मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिया। इस वेन्यू पे भी लास्ट टाइम चार रन थे इनके। जो रूट को पिछले मैच में बैटिंग ही नहीं मिली, अगर बैटिंग मिलती है तो हैं अच्छे प्लेयर, बट T20 में पता नहीं कितना क्या खेल पाएंगे। बिग फॉर्मेट के प्लेयर है, पहली बार कोलकाता को खेलेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बैटिंग पोजिशन पे जो रूट शायद बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे, अगर टीम इनको तीन विन पे खिलाए तो शायद कुछ मौका बने, बट सारी पोजिशंस बुक है तो रूट के चांसेस खेलने के भी कम है। मतलब खेलेंगे तो टीम है बट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ध्रुव जुवेल, इन्होंने बीच में काफी एक दो मैच में अच्छी बैटिंग करी थी, ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में तो बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन है। अश्विन को इस मैच में आप ले सकते हैं, वैसे भी स्पिनर्स को ठीक ठाक मदद मिली है, वरुण चक्रवर्ती को मिली है, तो इनको तो मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और ये वेन्यू सपोर्ट देता है स्पिनर्स को। परफॉर्मेंस इनकी रिसेंट IPL में ठीक ठाक रहे, अपोजिशन टीम के सामने स्टैट ठीक ठाक है, वेन्यू पर रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब दिख रहा है। मुरुगन अश्विन ओवर्स कभी भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं चल रही, हेड टू हेड फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लास्ट टाइम इस वेन्यू पे जीरो विकेट था। कुलदीप यादव, लास्ट तीन मैचेस में कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, पहली बार कोलकाता खेलेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनके पास एक ही अच्छा बॉलर है युजवेंद्र चहल, पिछले मैच में इसी ने चार विकेट निकाले और परफॉर्मेंस भी टीम के लिए अच्छा देता है लॉन्ग टर्म में। अपोजिशन टीम कोलकाता के सामने देखो क्या स्टैट है, एक बार पांच विकेट भी लिया है और इस वेन्यू पे हालांकि पिछले तीन मैच से विकेट नहीं है इसके पास। संदीप शर्मा, पिछले एक दो मैचेस काफी खराब गए, संदीप के विकेट नहीं मिल रही, हेड टू हेड भी खराब है, वेन्यू रिकॉर्ड भी खराब है, तो इस टीम की बॉलिंग काफी मतलब लो लेवल की लग रही है। अब एक्स्ट्रा प्लेयर्स इनके पास क्या क्या है, ओबी मकोए पिछले मैच में इनको इंपैक्ट प्लेयर लाया गया था, एक ही ओवर कराया, 13-14 रन खा लिए तो फिर इनको ओवर ही नहीं मिला। परफॉर्मेंस आप सारे प्लेयर्स का देख ही लीजिए, कौन कैसा खेल रहा है, कोलकाता के सामने किसका कैसा रिकॉर्ड है और इस वेन्यू पे अगर किसी ने पहले खेला तो कैसा खेला है, इस वेन्यू पे बोल्ड का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। फिर एक्स्ट्रा प्लेयर्स में ये भी कुछ प्लेयर्स हैं टीम के पास, इनके स्टैट भी आप देख लीजिए, कोलकाता के सामने परफॉर्मेंसेज देख लीजिए और इस वेन्यू पे अगर कभी खेला है तो वो रिकॉर्ड भी देख लीजिए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस टीम के प्लेयर्स का रिकॉर्ड अपोजिशन टीम के सामने कैसा है। जॉस बटलर का रिकॉर्ड देखिए, 11 मैच में अपोजिशन टीम कोलकाता के सामने 370 रन है 37 के एवरेज से, जो कि काफी अच्छे है। जयसवाल के दो मैच में 22 रन है, बट पिछले साल का जयसवाल और इस साल के जयसवाल में जमीन आसमान का फर्क है तो वो मत देखिएगा। संजू के 18 मैच में टोटल 469 रन है अपोजिशन टीम के सामने 27 के एवरेज से। पडिकल ने 7 मैच में 151 रन बनाए 21 के एवरेज से। पराग के 7 मैच में 72 रन है 14 के एवरेज से अगेंस्ट कोलकाता। होल्डर के कोलकाता के सामने 4 मैच में 31 रन और 6 विकेट है, 10 का बैटिंग एवरेज 23 का बॉलिंग एवरेज बनता है। अश्विन के 24 मैच में कोलकाता के सामने 96 रन और 24 विकेट है। बोल्ट के 8 मैच में 10 विकेट, चहल के 20 में 24 विकेट और संदीप शर्मा के 13 मैच में मात्र 9 विकेट है कोलकाता के सामने। इसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता की प्लेइंग 11 क्या होगी इस मैच में। तो इनकी प्लेइंग 11 में आपको वही सेम प्लेइंग 11 दिखेगी, जेसन रॉय आपको सब्स्टिट्यूट में भी दिख सकते हैं सेकंड बॉलिंग सेकंड बैटिंग में, या फिर फर्स्ट बैटिंग होगी तो डायरेक्टली आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे। जैसे मैंने अभी प्लेइंग 11 में दिखाया ना, अगर कोलकाता ने फर्स्ट बैटिंग ली तो डायरेक्टली इनको प्लेइंग 11 में दिखाएगी, तब वो सुरेश शर्मा को जो है सब्स्टिट्यूट में दिखा देंगे। सुरेश शर्मा बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलर है इस टीम के, और अगर फर्स्ट बॉलिंग होगी तो टीम उनको प्लेइंग 11 में डाल देगी और रॉय को सब्स्टिट्यूट में दिखा देगी। दोनों ही प्लेयर जो है मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे। गुरबाज ओपन करेंगे रॉय के साथ, नंबर 3 पे वेंकटेश है, पिछले मैच में हालांकि नितेश राणा नंबर 3 पे चले गए थे और वेंकटेश को नंबर 4 पे भेज दिया था। राणा बहुत अच्छा खेले थे, एक ओवर बॉलिंग भी डाली थी, कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि बॉलिंग डालेंगे राणा, क्योंकि स्पिन को जब भी मदद होती है थोड़ा बहुत भी टर्न मिलता है, राणा अपना हाथ घुमाते हैं बॉलिंग में भी, तो इवन कप्तानी वाइस कप्तानी के इस मैच में राणा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। रसल को भी पिछले मैच में प्रमोशन मिली बैटिंग में, बट फिर उन्होंने अंडर बोल कर दिया, बॉलिंग में सिर्फ उन्होंने एक ओवर डाला। इनके साथ यही समस्या है, कभी एक ओवर डालेंगे कभी 4 ओवर भी डाल देंगे, तो कुछ कह नहीं सकते रसल का। राणा फिर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि कम से कम बैटिंग में फॉर्म पकड़ चुका है और बॉलिंग में एक आध ओवर फेंक सकता है। रसल भी अच्छा प्लेयर है, ले सकते हैं, बट कभी कभी रिंकू ना रसल से पहले बैटिंग करने भी आ जाता है, बैटिंग पोजीशन के चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए रिंकू थोड़े से एवरेज पिक हो सकते हैं, बट अगर मैच लास्ट तक गया तो रिंकू आपके लिए स्ट्राइकर ऑफ द मैच हो जाते हैं। आपको पता है मैच जिताते हैं रिंकू, कई मैचेस जिताए कोलकाता को, हारे हुए मैचेस जिताए रिंकू ने, यानी लास्ट बॉल पे मैचेस जिताए, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक है एकदम, एक तरीके से ग्रैंड लीग पिक है। फर्स्ट बॉलिंग में तो सॉरी फर्स्ट बैटिंग में तो ये बड़े रन भी बना सकता है। सुनील नारायण बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इस साल, आप देखिए 4-4 ओवर पूरे भी कर रहा है ना तो नहीं चल रहा, और कभी कभी टीम इससे ओवर्स पूरे भी नहीं करा रही, तो नारायण का फॉर्म एकदम खत्म हो चुका है। वैभव अरोरा और हर्षित राणा पिछले मैच में 3-3 ओवर डाले इन लोगों ने, जिसमें से अरोरा को तो कोई विकेट नहीं मिली, बट हर्षित राणा को 2 विकेट मिली थी आई थिंक, हाँ 2 विकेट शुरुआत में मिल गई थी इनको। वरुण चक्रवर्ती इस टीम के सबसे अच्छे बॉलर और इस ग्राउंड पे अगर आप देखें तो सबसे अच्छे स्टैट होल्ड करने वाले प्लेयर हैं। ठाकुर से टीम ज्यादा बॉलिंग करा नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत है, इनसे एक आध ओवर ही कराती कभी कभी, तो वो भी नहीं कराती। इस टीम में लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा है, तो सामने जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक है ना अश्विन, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। ये देखो लेफ्ट हैंडर में इनके पास वेंकटेश अय्यर है, फिर राणा है, फिर रिंकू सिंह भी है, फिर सुनील नारायण भी है, तो काफी ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं टीम के पास,
तो सामने से राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो है अश्विन जो है वो ज्यादा विकेट ले सकता है। बाकी इनके डेथ ओवर्स में मैंने वरुण चक्रवर्ती को बहुत बार देख लिया, इन्हीं के चांसेस होते हैं वैसे डेथ ओवर्स में, और टीम इनसे ही डेथ ओवर करा रही है। ये शायद बहुत कम स्पिनर होते हैं टीम जिनसे डेथ में बॉलिंग कराती है, केकेआर उसमें से एक टीम है, और ये अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं डेथ ओवर्स में, बहुत रन रोक रहे हैं, मैचेस जिता रहे हैं। इनके साथ आपको डेथ ओवर्स में हर्षित राणा देख सकते हैं और रसल डेथ के बॉलर है, ठीक है। तो ये कुछ है प्लेयर टीम है। अब जल्दी से इनके स्टैट देखते हैं, क्या स्टैट चल रहे, क्या फॉर्म चल रही है। फॉर्म देखो जीसन रॉय की, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, मोस्ट ऑफ द मैच में इस साल अच्छा किया आईपीएल में। लास्ट टाइम राजस्थान के सामने 60 रन थे, इस वेन्यू पे 38-61 और 1 की स्कोरिंग भी करी है। गुरबाज का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, पिछले मैच में 15 पे आउट हो गए, उसके पहले 0, उसके पहले 81 भी बनाया। पहली बार राजस्थान को खेलेंगे इस वेन्यू पे, रिकॉर्ड देखे तो आखिरी 4 मैच में 2 बार चले हैं, प्लस विकेट कीपर भी है, तो उससे आपको पॉइंट दे जाते हैं। फिर आते वेंकटेश अय्यर, थोड़ा सा फॉर्म इनका खराब चल रहा है, बट हैं बहुत अच्छे प्लेयर। पिछले मैच में टीम ने इनको 4 पे भेज दिया और राणा को 3 पे भेज दिया, और राणा ने परफॉर्मेंस दी। आप देखिए आखिरी 3-4 मैचेस से राणा का फॉर्म बहुत ज्यादा सुधर चुका है। अपोजिशन टीम के साथ के सामने दोनों प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड देखे तो राणा का हमेशा अच्छा रहता है। कोलकाता में राणा अच्छा खेलते हैं, जबकि वेंकटेश अय्यर नहीं खेल पाते कोलकाता में अच्छा। रसल का देखिए रिकॉर्ड, रिसेंटली बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं है, हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है। वेन्यू पे रिकॉर्ड देखे तो बॉलिंग में ठीक है, बैटिंग में भी ठीक है, ले सकते हैं रसल को, आपको लेना चाहिए इस मैच में भी। रिंकू सिंह डिपेंड करेगा कहां बैटिंग करेंगे, नंबर 5 तक तो ठीक है, नंबर 6 थोड़ा सा लेट हो जाता है, पिछले मैच में 6 पे बैटिंग करने आए। परफॉर्मेंस अच्छी है, जब जब मौका मिल रहा है रन्स बना रहे हैं, कई मैचेस में नॉट आउट भी जा रहे हैं। राजस्थान के सामने 2 मैच खेले, 1 में अच्छा परफॉर्मेंस है, इस वेन्यू पे काफी अच्छे रिकॉर्ड है। सुनील नारायण बहुत खराब परफॉर्मेंस है, पिछले 7-8 मैचेस में आप देखो बंदे ने सिर्फ 1 विकेट निकाला, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है, वेन्यू पे रिकॉर्ड भी इस साल काफी खराब हो गया है नारायण का। फिर हम बात करते हैं वैभव अरोरा, परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मैच में विकेट लेस जाते, राजस्थान को पहली बार खेलेंगे, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब है 0 विकेट निकाले थे, कोई विकेट नहीं मिला था। शार्दुल ठाकुर मीडियम पेसर, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करी, कभी 2-3 ओवर करेंगे, कभी बॉलिंग ही नहीं करेंगे, दिक्कत है, मतलब टीम में वही ज्यादा बेटर है। हेड टू हेड कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे रिकॉर्ड लास्ट 2 मैचेस से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में 3 विकेट निकाले, अभी बीच में एक बार और 3 विकेट लिए थे। अपोजिशन टीम के सामने स्टैट ठीक है, इस वेन्यू पे तो अच्छा खेलते ही हैं वरुण चक्रवर्ती। फिर आते हर्षित राणा, पिछले कुछ मैचेस राणा के थोड़े से बेटर गए हैं, मीडियम फास्ट ये बॉलर है, शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, परफॉर्मेंस राजस्थान के सामने पहली बार देंगे, इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है राणा का। अगर आपको किसी एक बॉलर को लेना है ना, कोई इमैच्योर बॉलर, तो हर्षित राणा एक अच्छा प्लेयर है आपके लिए ट्राई करने के लिए। इसके बाद सुरेश शर्मा खेलेंगे, 4 ओवर पूरे डालते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, एक आध मैच में विकेटलेस दिख रहा है, बट इसमें भी कैच वैच ड्रॉप हुए थे। पहली बार राजस्थान को खेलेंगे, वेन्यू पर रिकॉर्ड काफी अच्छा है। बाकी प्लस के स्टैट भी आप देख लीजिए, उमेश यादव अनअवेलेबल है, ये नहीं खेलेंगे, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी इनको, और वैसे भी इनका फॉर्म खराब चल रहा था। परफॉर्मेंस आप देख लो किसका कैसा है, सब कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लिटन दास तो अभी बांग्लादेश वाले मैच में बिजी है, ये अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं ये जो मैंने आपको टीम बताई, इनके रिकॉर्ड अपोजिशन टीम के सामने कैसे हैं, कोलकाता की ये टीम है और ये कैसा खेलती है अपोजिशन टीम के सामने। नारायण जगदीशन 1 मैच खेला राजस्थान के सामने, 4 रन है। राणा ने राजस्थान के सामने 10 मैच खेले, 202 रन है। रसल के 10 मैच में 170 रन है। नारायण के 17 मैच में 142 रन और 12 विकेट है। अय्यर के 2 मैच में 44 रन है अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, देखिए किसका कितना एवरेज है, सब कुछ लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, देख लो। मनदीप सिंह 11 मैच में 179 रन है राजस्थान के सामने। ठाकुर की 9 मैच में 10 विकेट है। वरुण चक्रवर्ती के 5 मैच में 7 विकेट है राजस्थान के सामने। टिम साउदी के 2 में 2 विकेट है और उमेश यादव के 13 में 10 विकेट है अपोजिशन टीम राजस्थान के सामने। कुछ बैटल्स देख लो, जैसे नारायण वर्सेस बटलर है, जिसमें बटलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, नारायण खराब कर रहे हैं, अभी फॉर्म भी खराब है, उमेश है नहीं। वरुण चक्रवर्ती ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया बटलर के सामने, 13 गेंदों में 28 रन खाए, बट 2 बार विकेट भी निकाली। जायसवाल ने किसी को ज्यादा खेला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संजू का 3 बार विकेट नारायण ने निकाला है, संजू का 3 बार विकेट उमेश ने भी निकाला है, बट उमेश ने बहुत रन खाए, बहुत बॉले कराए। वरुण चक्रवर्ती ने 15 गेंदों में 22 रन दिए, संजू को अब तक विकेट नहीं लिया। हेतमायर का देखिए, नारायण ने बहुत रन रोके हेतमायर के, 60 बॉल पे 45 रन रोके, मतलब 45 रन बनने दिए सिर्फ, और 1 बार विकेट ली। बाकी वरुण ने 1 बार विकेट हेतमायर की निकाली है। ये देखिए वेंकटेश 1 बार चहल इनका विकेट ले चुके हैं, इसके अलावा बोल्ट इनका 1 बार विकेट ले चुके। रॉय का देखिए, अब तक 50 बॉलों में 87 रन बनाए हैं रॉय ने चहल की बॉलों पे, और चहल इनका 2 बार विकेट ले चुके चहलकर्मी करके। ट्रेंट बोल्ट की 13 बॉलों पे 19 रन है रॉय के, और 1 बार विकेट इन्होंने लिया इनका। इसके बाद नीतीश राणा जो कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इनका 5 बार विकेट युजवेंद्र चहल ने लिया है, बट चहल के सामने खेले भी अच्छा है राणा। फिर अश्विन ने इनका अभी तक विकेट नहीं लिया राणा का, 52 बॉलों में 99 रन है अश्विन के सामने राणा के। और बोल्ट ने 27 गेंदों में बहुत रन खाए राणा के सामने, विकेट नहीं लिया। राणा बहुत अच्छे ऑप्शन है आज के मैच में पिक करने के लिए। देखिए चहल ने 37 गेंदों में 80 रन दिए रसल को, सिर्फ 1 बार विकेट निकाला। अश्विन ने 7 गेंदों में 9 रन दे के रसल का 2 बार विकेट निकाला है, और बोल्ट ने भी 2 बार विकेट निकाला है रसल का। यहां पे राणा एक अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं, बस अगर चहल को थोड़ा सा ठीक खेल जाए।
अब बात करते हैं टीम की, क्या टीम बनेगी, सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। अभी डिस्कस कर लेते हैं, खेलना कहाँ पे है, विजन 11 एप्लीकेशन पे। अगर आपने विजन 11 अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और रेफर कोड FX लगा के साइन अप कर लेना। ₹500 का बोनस और 50,000 का गिव अवे मिलेगा और प्लस ढेर सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे अगर आप ये कोड लगा के विजन 11 पे आज ही साइन अप करते हैं। प्लस टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया है, क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो सारी अपडेट आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। मेरी टीम में आप देख सकते हैं मैंने पिक करा संजू सैमसन को, बैटिंग विकेट है भाई, हर मैच में 200 रन बन रहे हैं तो ऐसे विकेट पे आपको बैटर्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। गुरबाज को भी लिया है, बटलर को भी लिया है। गुरबाज थोड़ी सी हिट और मिस टाइप पिक है बट ले लीजिए, बेटर रहेगा, कभी बड़ा खेल गए तो आपकी टीम में नुकसान नहीं करेंगे। रॉय को टीम में लूंगा, राणा को लूंगा, जयसवाल को लूंगा, कैप्टन बटलर और राणा को वाइस कप्तान करूंगा। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, फिर मैं रसल को टीम में पिक करूंगा, कप्तान वाइस कप्तान बनाने का बहुत मान है बट इसकी बॉलिंग की गारंटी नहीं होती। अगर ये गारंटी 3-4 ओवर भी करे ना तो कप्तानी वाइस कप्तानी का अच्छा पिक है बट पिछले 2 मैचेस से 1-1 ओवर ही करे जा रहा है। अश्विन को आपको लेना चाहिए, सामने बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, 4 ओवर पूरे करते भी हैं, शायद थोड़े बहुत रन भी बना ले, विकेट ले सकते हैं एक आध। यहां पे मैंने सुरेश शर्मा को लिया है, चहल को लिया है और वरुण चक्रवर्ती को लिया है। तो ये मेरी ओवरऑल टीम है अभी इस मैच के रिगार्डिंग। कप्तान मैंने बटलर और वाइस कप्तान राणा को रखा है, आप इसका रिवर्स कर सकते हैं और इवन जेसन रॉय भी बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे और संजू भी बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे कप्तान वाइस कप्तान, क्योंकि बैटिंग वेन्यू है, सब रन बनाएंगे। जो भी अच्छे अच्छे बैटर्स हैं ना उनको आप ट्राई करिए कप्तान वाइस कप्तान। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।